ये बहन शीला है जो कैथल से आई है हरियाणा से जी। अपोस्टल जी, इनके पिछले 6 साल से पैर पे बहुत बड़ा मसा था, आगे और पीछे, पैर के नीचे और पैर के ऊपर बहुत बड़े बड़े मस्से थे। और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा बताया था जी। इनकी बुआ है जो पिछले समय से इधर चर्च में आते हैं, विनोद प्रोची अमिनिस्ट्री में। कौन है बुआ? मामी है, सॉरी मामी। तो इन्होंने अपनी अपनी भांजी को प्रभु के बारे में बताया, इस मिनिस्ट्री के बारे में बताया। इन्होंने यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम देखना शुरू किया और विनोद प्रोची मिनिस्ट्री में प्रार्थना करवाना शुरू किया। और जैसे ही प्रार्थना करवाते थे और यूट्यूब पे आपके प्रोग्राम को देखते थे, वो मस्से बिल्कुल खत्म हो गए, इनका पैर बिल्कुल चंगा हो गया। एक महीने के अंदर सारे मस्से गायब। एक महीने में सारे गायब हो गए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पैर बिल्कुल खराब हो गया था जी। मेरा पैर बिल्कुल खराब हो गया था, मेरे हाथों पे। आपका पैर बिल्कुल, सिस्टर उधर देखिए, नहीं तो वो वीडियो भी ऐसी बनेगी। मेरा पैर बिल्कुल खराब हो गया था, मतलब पैर के नीचे भी थे, ऊपर भी थे, हाथों पे भी, आंखों पे भी चले गए थे वो मस्से। हाँ जी, आंखों में भी निकलने लगे। हाँ जी, आंखों के ऊपर। अच्छा, और तो डॉक्टर जी ने बोला कि 25,000 रुपए लगेंगे और मतलब आए सप्ताह 1,000 की दुआई तो आम है। देखो कुछ ध्यान दिया आपने, 25,000 बोला था इसलिए डॉक्टर जी निकला। तो घर वाले भी बोले भाई ये तो ज़्यादा ही फैल गया, जाओ आप दुआई ले आओ। तो मामी जी और मेरे मामा जी कुलदीप, तो उन्होंने फ़ोन कराया तो कहा, बस ऐसे ही फ़ोन कर दिया, कहा बेटा ठीक हो? मामा कहाँ ठीक है, हम तो दुआई लेने जावा, मस्से ज़्यादा फैल गए, पूरा पैर खराब हो गया। तो मेरी मामी जी बोली आप एक बार प्रार्थना करवा के देख, सिर्फ एक बार, मैं बार बार नहीं कहूँगी, सिर्फ एक बार। तो मैं भी डर गई, कदे घर वाले थोड़ा हाँ गुस्सा करें भी कुछ ये वो। फिर मैंने सोचा चल प्रेयर देखने में क्या जावा है, एक बार वीडियो देख ले। मैंने वीडियो देखी तो थोड़ा सा एक दो दिन तो होया भाई, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे विश्वास होया। आज मेरा विश्वास इतना बढ़ गया कि आज मेरा कोई भी बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक। वाओ, खड़े हो जाए एक बार यीशु के लिए। जी मेरी नाक में प्रॉब्लम थी, मांस कट कट के आता था, मांस कट कट के आता था जी, अंदर से। कहां से? अंदर से, नाक के अंदर से। ओ माय गॉड। अच्छा, तो ऑपरेशन करवाया जी, ऑपरेशन पे 20,000 तो लग गए थे उस टाइम। हाँ, उस टाइम ऑपरेशन हुआ था, तो फिर 1200-1500 की दवाई। हाँ हाँ, तो वो अलग से, तो फिर भी आराम नहीं हुआ, दर्द इतना, फिर भी मतलब आंखों की मतलब दिखाई भी कम देने लग गया जी। तो ऐसे रखती थी मैं, अगर कोई आ जाता था तो बिल्कुल ऐसे सांस लेने में तकलीफ, सांस बढ़ना शुरू हो गया था। माय गॉड, लेकिन आज मैं ठीक हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं ठीक हूँ। ये कौन सी बीमारी है, ये नाक में से मांस निकलना? पता नहीं है पोस्टल जी, ये बता रहे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। इन्होंने ऑपरेशन भी करवाया, वहाँ पर पैसा भी खर्चा, 20,000 रुपये लगाया। देखो 11 साल हो गए, लेकिन आज तक मैं कभी भी ये नहीं कह सकी कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आज मैं बोलती हूँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। एक बार हरियाणवी में बोल भी, तेरे को पैसे दिए किसी ने? ना जी, किसी ने भी नहीं। ना जी। नहीं जी। पैसे यहाँ पर लिए या दिए? ना जी। है? किसी ने नहीं दिए जी। यहाँ बस मामी जी ने फोर्स कराया कि वीडियो देख, वीडियो देख। तो मैंने वीडियो देखी जी। कितनी वीडियो देखी? वीडियो तो हर रोज मामी भेजती रही, मैं भी फिर तो मतलब चैनल सब्सक्राइब कर गया तो हर रोज देख रही। अच्छा, पहले मामी भेजती नहीं फिर अपने आप आता? हाँ जी। और तो मेरे हस्बैंड भी बोले क्या है
भाई सारा दिन मतलब यीशु यीशु की वीडियो, लेकिन उसने भी इतना विश्वास हो गया क्या, देखो बगैर पैसा दिए इतनी ठीक हो रही है, देखे जा फोन लेके देखो। अच्छा पति कह रहा देखे जा, रुकिए ना, आमीन। क्योंकि आज तक मैं ठीक रही है को नहीं थी जी, 10 साल मतलब 5 साल तो मेरे में दुष्ट आत्मा थी, तो जिस तरीके पास इलाज कराया वो बोला दूर तो हो जाएगी लेकिन दर्द तो रहेगा, सहन करना पड़ेगा। कौन कह रहा था? जो तांत्रिक ने मेरा इलाज कराया। अच्छा ठीक तो हो जाएगी? हाँ जी लेकिन पर... दर्द तो रहेगा। अच्छा दर्द मैं तो चिल्लाती थी जी जब दर्द होता था, और शनिवार के दिन तो मेरे को उठ ही जाता था, इतनी बीमार हो जाता। पर हमारा तो यीशु कहता भाई सब कुछ जाएगा। लेकिन आज मैं ठीक हूँ जी, मेरे थोड़ी सी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस मौसम में तो मैं बोल भी नहीं सकूं थी। क्या बात है, मेरी नाक किसने चंगा किया आपको? यीशु ने जी, मेरे परमेश्वर यीशु ने, हमारे परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर ने। आमीन आमीन। मेरे बच्चे भी ठीक हो गए जी? बच्चे भी ठीक? हाँ जी मेरे बच्चे भी, मेरी एक लड़की है 6 साल की है परी, उसको पेट में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था, युद्ध भी रो रहा जी, इसके भी मतलब छाती जाम हो जाती थोड़ा सा मुंह से या कुछ जैसे पसीने में नुहा दिया या कुछ भी मतलब, तो सीधा एडमिट ही करना पड़ा था यूं, लेकिन आज मेरा बच्चा ठीक है। मेरा विश्वास शायद सबसे ज्यादा बढ़ गया, मैं हर टाइम मतलब महसूस करने लगी हूँ कि मेरे पास है। छोड़ोगे तो नहीं यीशु मसीह को? ना जी ना जी, देख लो ना जी, पकड़ के रखो ठीक है।